कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021 हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था, वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी और लोग ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए और जो जो वैक्सीन जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं, इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है, लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर लें। पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एकाध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा है डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फैटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है।
इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है, तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है, आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है, और जब आपके दिन हो जाए 84 डे। तो कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।